हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में दिखाने वाले हैं फ्लिपकार्ट से नो कॉस्ट ईएमआई पर कोई प्रोडक्ट कैसे बाय करें। जिससे अगर आपको फ्लिपकार्ट से कोई प्रोडक्ट जैसे मोबाइल फोन, लैपटॉप, टीवी, फ्रिज कुछ भी जो है नो कॉस्ट ईएमआई पर खरीदना है, तो दोस्तों कैसे आप जो है फ्लिपकार्ट से नो कॉस्ट ईएमआई पर कोई प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं, आज इस वीडियो में लाइव प्रोसेस आपको दिखाने वाले हैं। नो कॉस्ट ईएमआई का मतलब कि दोस्तों आप जो ईएमआई पर कोई प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं और उसके लिए आपसे जो है कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। तो कैसे करना है जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, फ्लिपकार्ट से नो कॉस्ट ईएमआई पर कोई प्रोडक्ट बाय करने के लिए सबसे पहले आपको अपना फ्लिपकार्ट को ओपन कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च करना है जो प्रोडक्ट आप नो कॉस्ट ईएमआई पर खरीदना चाहते हैं उसे आपको सर्च कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए दोस्तों यहाँ पर हम जो है एक एलजी का मॉनिटर खरीदने वाले हैं, तो दोस्तों यहाँ पर हम उसे सर्च कर लेते हैं। तो आपको जो भी प्रोडक्ट खरीदना है उसे आपको सर्च कर लेना है। मैंने यहाँ पर सर्च कर लिया। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपको नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन लिखा मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर अगर नो कॉस्ट ईएमआई लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आप इस प्रोडक्ट को जो है नो कॉस्ट ईएमआई पर खरीद सकते हैं। व्यू प्लान्स का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा बैंक का क्रेडिट कार्ड से नो कॉस्ट ईएमआई पर इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। यहाँ पर उस बैंक का नाम शो करेगा, तो यहाँ पर आपको बाइक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको बाय नाउ वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, जिस तरह से हम लोग नॉर्मल जो फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका एड्रेस आ जाएगा, इसी एड्रेस पर आपका ये ऑर्डर आने वाला है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, हमारा एड्रेस सही है। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, जिसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पेमेंट पेज में आ जाएंगे। अब दोस्तों अगर आपके पास फ्लिपकार्ट में पहले से कोई क्रेडिट कार्ड वगैरह एड होगा तो यहाँ पर दोस्तों वह क्रेडिट कार्ड शो कर जाएगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इस प्रोडक्ट को नो कॉस्ट ईएमआई पर खरीदने के लिए नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ईएमआई इजी इंस्टॉलमेंट का, तो आपको ईएमआई इजी इंस्टॉलमेंट के ऊपर क्लिक करना है और कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जिस बैंक का डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड पर ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल होगा सभी यहाँ पर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड शो कर जाएगा। अब आपको करना क्या है, जिस बैंक का आपके पास क्रेडिट कार्ड है, जिस क्रेडिट कार्ड से आप नो कॉस्ट ईएमआई पर इस प्रोडक्ट को परचेज करना चाह रहे हैं उस क्रेडिट कार्ड को यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो सभी बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप आसानी से घर बैठे किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास SBI बैंक का क्रेडिट कार्ड है, तो दोस्तों हम जो SBI बैंक क्रेडिट कार्ड से नो कॉस्ट ईएमआई पर इस प्रोडक्ट को परचेज करने वाले हैं। अगर आपके पास कोई दूसरा बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आपको उस बैंक का क्रेडिट कार्ड को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों इंस्टॉलमेंट का डिटेल्स आ जाएगा, यानी दोस्तों आप ये जो प्रोडक्ट नो कॉस्ट ईएमआई पर लेना चाहते हैं वह जो है कितने महीने का ईएमआई बनाना चाहते हैं। जैसे अगर आप 3 महीने का ईएमआई बनाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 3,167 रुपया करके आपको 3 महीने तक पेमेंट करना होगा हर महीने ईएमआई। और दोस्तों देख सकते हैं अभी SBI बैंक का क्रेडिट कार्ड पर 1,000 का एक्स्ट्रा इंस्टेंट यहाँ पर डिस्काउंट भी मिल जा रहा है। अगर आपके पास SBI बैंक का क्रेडिट कार्ड नहीं है तो दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कैसे अप्लाई करते हैं उस वीडियो को देखकर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप 6 महीने का ईएमआई बनाना चाहते हैं तो आपका हर महीने जो ईएमआई बनेगा 1,584 रुपया करके पेमेंट करना होगा 6 महीने तक। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है इंटरेस्ट, इसके बगल में यहाँ पर देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है नो कॉस्ट। तो नो कॉस्ट ईएमआई का मतलब है कि दोस्तों आपका जो है इंटरेस्ट कुछ भी नहीं लगेगा। लेकिन दोस्तों अगर इसी प्रोडक्ट को हम 9 मंथ या फिर 12 मंथ का ईएमआई बनाकर लेते हैं तो यहाँ पर हमें जो है 15% पर एनम इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वही यहाँ पर 3 महीने और 6 महीने का ईएमआई बनाते हैं तो उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, यानी नो कॉस्ट ईएमआई पर हम जो है इस प्रोडक्ट को खरीद पाएंगे। तो मुझे दोस्तों यहाँ पर इस प्रोडक्ट को नो कॉस्ट ईएमआई पर लेना है, तो इसलिए हम यहाँ पर जो है 6 महीने का ईएमआई बना लेते हैं, 6 महीने वाले सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप ईएमआई इंस्टॉलमेंट सिलेक्ट करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर देख पाएंगे प्रोडक्ट का क्या प्राइस है यहाँ पर शो करेगा, जिसमें बैंक ऑफर डिस्काउंट मिल रहा है 1,050 का, 49 रुपया ऑफर हैंडलिंग फी लग रहा है। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है बैंक की तरफ से 403 रुपया का। लेकिन ये प्रोडक्ट जो है नो कॉस्ट ईएमआई पर अवेलेबल है, जिस वजह से ये जो इंटरेस्ट लग रहा है 403 रुपया, उसके बदले हमें जो है इसी प्रोडक्ट में 400 रुपया जो है इंटरेस्ट डिस्काउंट कर दिया जा रहा है, यानी जो हमें बैंक की तरफ से इंटरेस्ट लगाया जा रहा है वह दोस्तों हमें जो है इसी प्रोडक्ट में माइनस करके दिया जा रहा है, तो हमें जो यहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो मुझे इस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए अभी 9,500
₹501 पेमेंट करना होगा। अब आपको चूज प्लान वाले ऑप्शन की पर क्लिक करना है। उसके बाद अगर आपका पहले से क्रेडिट कार्ड एड होगा तो यहाँ पर उस क्रेडिट कार्ड को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप उसी क्रेडिट कार्ड से नो कॉस्ट ईएमआई पर इस प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप नया क्रेडिट कार्ड एड करना चाहते हैं तो एड कार्ड वाले ऑप्शन की पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स डाल देना है, जैसे कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवीवी कोड वगैरह। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को फ्लिपकार्ट में सेव करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद प्लेस ऑर्डर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, जिस ओटीपी को आपको यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पर हमारा ओटीपी आ चुका है, जिस ओटीपी को हम यहाँ पर डाल देते हैं। उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका ऑर्डर जो है प्लेस हो जाएगा, यानी फ्लिपकार्ट से ऑर्डर जो है हो जाएगा नो कॉस्ट ईएमआई पर। अब दोस्तों आपको इसका स्टेटस चेक करना है, जिसके लिए यहाँ पर ट्रैक एंड मैनेज ऑर्डर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रोडक्ट आपका कितना का था, बैंक डिस्काउंट ऑफर आपको कितना का मिला है, और नो कॉस्ट ईएमआई पर मैंने इस प्रोडक्ट को परचेज किया है तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट लग रहा था वह जो है डिस्काउंट यहाँ पर कर दिया गया है। और यहाँ देख सकते हैं प्रोडक्ट मैंने जो है ईएमआई पर खरीदा है, इसलिए यहाँ पर जो है ईएमआई लिखा हुआ है। इस तरह से दोस्तों आप फ्लिपकार्ट से नो कॉस्ट ईएमआई पर कोई भी प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो आपने ईएमआई पर प्रोडक्ट बाय किया है, इसका फर्स्ट ईएमआई दोस्तों आपको कब पेमेंट करना होगा, मतलब जो यहाँ पर आपने नो कॉस्ट ईएमआई पर प्रोडक्ट को परचेज किया है, इसका जो ईएमआई बनेगा आपका क्रेडिट कार्ड का जो बिल जनरेट होगा उसी में आ जाएगा। आपको जो बिल पेमेंट कर देना है, जिस तरह से आप अपना क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करते हैं नो कॉस्ट ईएमआई पर। दोस्तों अगर आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर एक प्रोसेसिंग फी चार्ज किया जाता है बैंक की तरफ से, जो कि दोस्तों हर बैंक का जो है अलग अलग होता है। जैसे एसबीआई क्रेडिट कार्ड का ईएमआई प्रोसेसिंग फी जो है ₹99 प्लस जीएसटी है। हर बैंक क्रेडिट कार्ड का अलग अलग प्रोसेसिंग फी है। अगर आप डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सभी क्रेडिट कार्ड का प्रोसेसिंग फी जाकर चेक कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।